जय श्री राम दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी कल की वीडियो में ये जाना था कि हमारा जो टॉयलेट है वो किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में होने से हमें लाभ होता है और किस दिशा में टॉयलेट के होने से हमें बहुत हानि होती है। दोस्तों, उसी प्रकार से जितना टॉयलेट का महत्व वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग माना जाता है, उसी अकॉर्डिंग टॉयलेट में रखी जाने वाली सीट का भी उतना ही महत्व माना जाता है। यदि हमारी सीट गलत दिशा में रखी जाए तो वो भी हमें बहुत प्रकार से हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपनी टॉयलेट सीट को किस दिशा में रखना चाहिए और टॉयलेट सीट को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दिशा की। दोस्तों, पूर्व दिशा में यदि हमारी टॉयलेट सीट है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर हम बैठते हैं, तो दोस्तों ये बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। क्योंकि दोस्तों, हमें पता है पूर्व दिशा सूर्य भगवान का स्थान है, और यदि सूर्य भगवान की तरफ मुख करके हम शौच करते हैं तो इस प्रकार सूर्य भगवान का अपमान होता है। तो यदि सूर्य भगवान का अपमान होगा तो हमें स्वास्थ्य संबंधी बहुत प्रकार से हानियां होंगी और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उन्हें कोई ना कोई बीमारी घेरे रखेगी। इसीलिए कभी भी टॉयलेट सीट को पूर्व दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपकी टॉयलेट सीट पश्चिम दिशा की ओर भी है तो भी वो आपके लिए हानिकारक है, और इसलिए आपकी टॉयलेट की सीट कभी भी पूर्व और पश्चिम दिशा में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई गई टॉयलेट सीट आपको बहुत प्रकार से बीमारियां लगा सकती है, जैसे माइग्रेन संबंधित बीमारी भी टॉयलेट के पूर्व पश्चिम दिशा में होने से हो सकती है, और दिमाग संबंधित बीमारियों का कारण भी ये गलत सीट का लगना हो सकता है। और जब हमारे बच्चों की जो आईज कमज़ोर हो जाती है, तो दोस्तों ये भी एक प्रकार से अगर हमारी टॉयलेट गलत है तो उसका हिस्सा बन सकती है। इसलिए दोस्तों, पूर्व पश्चिम में भूलकर भी अपनी टॉयलेट सीट को कभी ना लगाएं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि यदि टॉयलेट सीट लगानी है तो किस दिशा में लगाएं। तो हाँ दोस्तों, टॉयलेट सीट को हमेशा हमें अपने उत्तर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दक्षिण दिशा में लगाई टॉयलेट सीट हमारे लिए कभी भी हानिकारक सिद्ध नहीं होती। इस दिशा में टॉयलेट सीट का होना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, हमें अपनी टॉयलेट सीट को हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ही बनाना चाहिए। और दोस्तों, आजकल एक नई बात सुनने में आती है। हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने घर में टॉयलेट को बहुत अधिक सजा रखा है, या हमारे किसी दोस्त के घर हम जाते हैं तो उनके घर में हम देखते हैं कि उनका टॉयलेट जो बाथरूम है वो बहुत अधिक सजा हुआ होता है। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे घर का टॉयलेट हमारे घर के बाकी हिस्सों से ज़्यादा सुंदर होगा या ज़्यादा सजा हुआ होगा, तो इससे हमारे घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो टॉयलेट के पानी के साथ बह जाएगी और घर में केवल नेगेटिव एनर्जी ही रह जाएगी। और यदि घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी तो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। हमेशा घर को नेगेटिव एनर्जी घेरे रहेगी और हमें हर प्रकार से हानि मिलेगी। हमें आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर में धन की कमी बनी रहेगी। घर के लोगों में आपसी मतभेद बढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने टॉयलेट को बहुत अधिक नहीं सजाना चाहिए, और हो सके तो जितना सिंपल आप टॉयलेट को अपने रख सको उतना सिंपल और स्वच्छ रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। और दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय श्री राम दोस्तों।